एवरीवन, तो आज कली मोनिल के गार्डन में कुछ विजिटर्स आए हैं, तो उनके लिए हमें आज नाश्ता भी तैयार करना पड़ेगा, उनके लिए हमें कुछ सिटिंग भी अरेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनके लिए हम कुछ क्यूट सी सिटिंग या फिर गेस्ट रूम कह सकते हैं, वो अरेंज करते हैं जो सिंपल भी हो, ईजी भी हो और इनके लिए प्रोटेक्टिव भी हो। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम एक कार्टन लेंगे, ओल्ड कार्टन ले सकते हैं, और नेक्स्ट ताकि फ्लोर से कोई ठंड ना लगे या फिर थोड़ा सा वार्म फील हो, उसके लिए हम यहाँ जूट यूज़ करेंगे क्योंकि जूट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट थोड़ा नेचुरल एंड मतलब अच्छा फील कराने के लिए उनको हम थोड़ा सा ये ग्रास वाला जो कूलर में हम यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है, वो यूज़ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम कोई ओल्ड कंबल या फिर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ओल्ड डोरमेट, ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी है और वार्म भी है। सो ये हमारा गेस्ट रूम, बेडरूम, जो भी हम इसे कहना चाहे, वो रेडी हो गया है और इनके लंच के लिए थोड़ा सा मिल्क रख देते हैं, थोड़े से प्लांट से डेकोरेट कर देते हैं और इनके आने का वेट करते हैं। और ये हमारी फर्स्ट किटन आ चुकी है। ये सब कुछ देख रही है। एंड सेकंड वन, एंड वो दोनों पीछे हग कर रही है, और थर्ड वन आ चुकी है। दिस इज सो क्यूट। आई थिंक इन्हें घर बहुत पसंद आया है, ये बहुत हैप्पी हैं, एडजस्ट हो रही हैं, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बाहर इस तरह घूम रही थी, तो मैंने इनके लिए शेल्टर बनाया था। सो गाइज, आप लोगों से बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह आप जो स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट्स होती हैं उनके लिए इस तरह के आप छोटे छोटे शेल्टर बना सकते हैं, क्योंकि बारिश एंड विंटर्स में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये सर्वाइव करने की रेट इनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हमें इन्हें बचाना चाहिए। और इस तरह के सिंपल शेल्टर हम वेस्ट सामान से बना सकते हैं जो विदाउट कॉस्ट है, जो इनकी सर्वाइविंग रेट बढ़ाता है और इनके लिए अच्छा होता है। ये देखिए, ये अब रिलैक्स मोड में एकदम सो रही हैं, इन्होंने खाना खा लिया है, वार्म फील हो रहा है और ये रेस्ट कर रही हैं। इस तरह हम इनके लिए स्मॉल शेल्टर बना सकते हैं।